लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे आखिरी चरण नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों ने और तेजी से दम भरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब दिल्ली से यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे सीएम केजरीवाल और सपा मुखिया अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने एक एक कर कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को भी घेरा, लेकिन भले ही केजरीवाल दिल्ली से दूर आ गए हों, लेकिन स्वाति मालीवाल मारपीट मामले ने केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ा। यहां भी मामले को लेकर सवालों की बौछार उन पर हो गई, लेकिन सवाल से बचने का ड्रामा कैमरे में कैद हो गया। इन तस्वीरों को देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन जब स्वाति मालीवाल को लेकर केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक आगे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अखिलेश ने केजरीवाल का बचाव करते हुए कहा उससे जरूरी और चीजें भी हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। ये ड्रामा यही नहीं खत्म हुआ। अखिलेश के बोलने के बाद जब बराबर स्वाति मालीवाल पर सवाल आते रहे तो अखिलेश ने भी पल्ला झाड़ लिया, माइक फिर से केजरीवाल की तरफ बढ़ा दिया, जिसके बाद फिर आप सांसद संजय सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा। फिर उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए मामले में जवाब दिया। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको इस पर राजनीतिक खेल ना खेले, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। यहाँ लखनऊ में इंडिया गठबंधन के दोनों नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपनी जीत का दावा ठोक रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल पर निशाना साध दिया, कहा ज्यादा घूमे नहीं, अब जेल जाने की तैयारी करें। मतलब ये है कि केजरीवाल भले ही दिल्ली से दूर निकलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पहुंचे हों, पर दिल्ली वाला सवाल यानी कि स्वाति मालीवाल मारपीट मामला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। चुनावी मौसम में विरोधी दल उन पर हमलावर ही थे कि अब इन तस्वीरों ने फिर से बीजेपी को केजरीवाल को घेरने का मौका दे दिया।